नमस्ते पेरेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको दिखाना चाहूँगी मेरी बेटी का विजन बोर्ड। ये बोर्ड मैंने उसके एज के हिसाब से बनाया है। विजन मतलब कोई गोल या कोई ड्रीम जो आप अचीव करना चाहते हैं। विजन बोर्ड्स उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब जो आप मन में चाहते हैं वो आपको सामने दिखता है। और विजन बोर्ड्स आपको काफ़ी हद तक वो गोल्स पाने में मजबूर कर देता है और आप हार्डवर्क करने लगते हैं। आपको विजन बोर्ड से होप मिलता है और पॉजिटिविटी भी मिलती है। आप विजन बोर्ड्स या विजन चार्ट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेरी बेटी के लिए विजन बोर्ड बनाया है ताकि वो उसे डेली देख पाए और वो विजुअलाइज कर पाए। आज हम विजन बोर्ड के बारे में ही थोड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके जो बेनिफिट्स हैं और उसको बनाते हुए थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन तभी ही आपको मिलेंगे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। पहले मैंने लिखा है ईट हेल्दी, मतलब आजकल के बच्चे सारे जंक फूड खाना पसंद करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा हेल्दी भी खाना खाएं। तो मैंने बर्गर और पिज़्ज़ा के ऊपर छोटे क्रॉस डाले हैं और बाकी के जो वेजिटेबल्स हैं उसको हाईलाइट करके दिखाया हुआ है। ये सेकंड मैंने लिखा है गो टू मॉल विद अधिराज। अधिराज आश्रिता का छोटा भाई है और उसको अभी 2.5 ईयर्स ही हुआ है और वो दोनों इकट्ठे बाहर घूम नहीं पाए हैं। तो आश्रिता को मॉल में जो सॉफ्ट प्ले होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद है और वो चाहती है कि वो उसके भाई के साथ वो सॉफ्ट प्ले में मॉल में जाके खेले। तो वो भी उसका एक विजन था, तो वो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। फिर मैंने लिखा है कोरोना फ्री वर्ल्ड। बच्चे अभी वैसे भी डरे हुए हैं कोरोना से, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता कि ये कब ख़त्म होने वाला है। तो बच्चों को एक होप हम दे रहे हैं ये लिखते हुए कि हम आगे जाके एक कोरोना फ्री वर्ल्ड में रहेंगे। और ये मैंने उसका पेपर कटिंग भी लगाया है ताकि वो अच्छे से विजुअलाइज़ कर पाए कि बच्चों की वैक्सीनेशन भी होगी और उसके बाद हम फ्री भी हो जाएंगे। फिर मैंने लिखा है लव एंड रिस्पेक्ट ऑल। ये तो हमें सिखाना ही चाहिए हर एक बच्चे को, तो वो सिंपल सी बात है। फिर मैंने लिखा कंप्लीट ग्रेड 2 विद A+। तो कंप्लीट ग्रेड 2 ऐसे ही कंप्लीट नहीं करना है, वहाँ पे हमने एक छोटा सा वहाँ पे डिमांड रखा कि A+ के साथ। तो जब भी वो डेली इसको देखेगी तो वो एक जो A+ का फिगर है वो उसके दिमाग में रह जाएगा और वो उसको हार्डवर्क करने में थोड़ा सा प्रेरित करेगा। फिर मैंने लिखा है डिसिप्लिन एंड बी ऑन टाइम। चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस ही क्यों ना हो, डिसिप्लिन में और ऑन टाइम हमें लॉग इन करना है और पूरे क्लासेस के दौरान टीचर जो बोलती है उसे अटेंटिवली सुनना है और पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है। फिर मैंने नीचे लिखा है गुड मॉर्निंग आश्रिता मैम, क्योंकि आश्रिता हमेशा एक टीचर बनती है, हमेशा टीचर टीचर खेलती रहती है और हमसे बुलवाती है, बोलती है कि मम्मी बोलो गुड मॉर्निंग मैम। तो इसलिए मैंने वो भी वहाँ पे लिखा है कि शायद वो आगे जाके एक टीचर बने, तो उसी ने मुझसे लिखवाया था। वैसे आप देख सकते हैं कि ये विजन बोर्ड पे जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हैं वो मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखी हैं, मैंने और आश्रिता ने बैठ के लिखे थे पॉइंट्स और उसके बाद मैंने उसको असेंबल करके साथ में ये बना के दिया। अब हम देखते हैं कि विजन बोर्ड्स के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। विजन बोर्ड के ज़रिए हम बच्चे को क्रिएटिव होना सिखा रहे हैं। बच्चा इसके साथ पेपर कटिंग सीखेगा, उसको चिपकाना सीखेगा, डेकोरेट करना भी सीखेगा, कहीं कहीं स्टिकर्स लगा दिए, और लिखना भी उसको अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हम उनकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को बढ़ावा देंगे। उसी तरह से विजन बोर्ड्स बच्चों को एक होप देगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि कोरोना फ्री वर्ल्ड है, तो वो देख के कहीं ना कहीं उसके अंदर एक उम्मीद जगती है कि आगे जाके सब कुछ नॉर्मल होने वाला है और हम फिर बाहर घूमने उमने जाएंगे, बिल्कुल हमारा लाइफस्टाइल पहले जैसे हो जाएगा। अगर आप बच्चे के कोई बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं तो भी आप उसे विजन बोर्ड पर हाईलाइट कर सकते हैं। इसे देखते देखते बच्चे के बिहेवियर में सुधार जरूर आएगा। अभी से अगर बच्चों को विजन बोर्ड्स बनाने की आदत होगी तो आगे जाके जब बड़े बड़े ड्रीम्स उनके सामने होंगे, बड़े बड़े गोल्स होंगे, तभी भी विजन बोर्ड्स उन्हें हेल्प करेंगे वहाँ तक पहुँचने में। अब मैं आपको बताती हूँ कि विजन बोर्ड्स कैसे बनाते हैं। पहले तो आप बैठ के अपने गोल्स को सेट करें, उनका एक लिस्ट बनाएं और उसके अंदर आप प्रायोरिटाइज करें कि आपको कौन सा गोल पहले होना है, कौन सा बाद में होना है, ताकि आप उसे अच्छे से हाईलाइट कर पाए। उसी के रिलेटेड जो भी पेपर कटिंग होंगे या फिर न्यूज़पेपर कटिंग होंगे, स्टिकर्स होंगे, कटआउट्स होंगे, इसे आप इकट्ठा कर लें और साथ में रख लें। फिर एक बड़े से चार्ट पेपर पर आप इन चीज़ों को चिपकाएं, जो भी आपके मेन गोल्स हैं उसे थोड़े बड़े पेपर कटिंग के साथ हाईलाइट करें और उसके साथ कलरफुल स्केच पेन से आप बहुत अच्छे से उसे डेकोरेट करते हुए बड़े बड़े अक्षरों में आपके गोल्स को लिखें। इसमें आप बहुत सारे अट्रैक्टिव कलर्स और स्टिकर्स यूज़ करें ताकि आपका विजन बोर्ड बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, ताकि आप उसे देखें तो आप में एनर्जी और पॉजिटिविटी बढ़े। विजन बोर्ड्स को वहाँ लगाएं जहाँ पर आप उसे एटलीस्ट एक बार दिन में देख पाएं।
मैंने मेरी बेटी के स्टडी टेबल के सामने लगाया है ताकि वो पढ़ाई करते करते जब ऊपर देखेगी तो उसको उसका विजन बोर्ड नजर आए। विजन बोर्ड्स को बनाते वक्त एक बात जरूर ध्यान में रखें कि बच्चों के एज के हिसाब से उसे बनाएं। और आप जब गोल सेट करते हैं तो एकदम दूर के गोल्स ना सेट करते हुए जो एक साल के अंदर अंदर गोल्स जो पा सकते हैं वो आप उसमें एकोमोडेट करें। मतलब बहुत ही लंबे गोल्स लेने के बाद वो अनरियलिस्टिक हो जाते हैं। अगर मेरी बेटी अभी 7 साल की है और मैं उसको विजन बोर्ड बना रही हूँ 20 साल के बाद वाली बातों के बारे में, तो वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक लगेगा और उसको भी वो जैसे एक ड्रीम का ड्रीम ही रह जाएगा। तो 1 ईयर तक के गोल्स ठीक हैं। हर साल आप विजन बोर्ड को चेंज करते रहिए आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से, आपके प्रायोरिटीज़ के हिसाब से, तो बच्चे भी ये बनाने में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे। मेरा विजन चार्ट मेरे डायरी के अंदर कैद है। मैं नहीं दिखाना चाहती मेरा विजन क्या है, क्योंकि 5 साल के बाद ये अचीव होगा या नहीं ये मुझे नहीं पता। देखती हूँ, अगर अचीव हो गया तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक वीडियो में लेके आऊँगी, डेट के साथ आपको दिखाऊँगी मेरा विजन चार्ट मेरे लिए कैसे काम किया। तो आज ही बनाइए आपका विजन बोर्ड या फिर आपका विजन चार्ट और अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ काम करना शुरू करें। विजुअलाइज करना ना भूलिएगा। बाय।